यहाँ पे यूएवी ड्रोन आ चुका है, इसका मतलब सबका पोजीशन यहाँ पे रिवील हो रहा है, चाहे वो छोटे से छोटे पत्थर के पीछे गिरे छुपे हो, टीएचजी के फियान वो अकेले आगे भाग रही क्योंकि हाथों में ग्रेनेड लॉन्चर था, उन्होंने किंग फिशर निकाल लिया, किल्स सिक्योर करना पसंद करेंगे, बट फोर अननोन नहीं है, इवन आर्मी है, भीम का नाम जरूर से मुझे देखने को मिल रहा है, बट काय से खत्म करेंगे ये ग्लू वॉल्स, बट ग्लू वॉल का सिलसिला अभी चलता रहेगा मनीष, क्योंकि बहुत सारे ग्लू वॉल्स प्लेयर के पास उठते होंगे, बट देखिए लैंड माइन प्लेस कर दिया गया था, कितने स्मार्ट है ये प्लेयर, मैंने कहा था ये जो कुकून बनता है ना प्लेयर स्मार्टली लैंड माइन प्लेस कर देते हैं, उससे कमाल हो सकता है, स्काई से ओजस्वी व्हाट हैव यू डन, ईविल आर्मी को यहां पे टेक डाउन कर दिया गया, स्काई से 1v3 क्लच निकाल दिया टीएचजी के प्लेयर्स ने, बट एनिग्मा गेमिंग के प्लेयर यहां पे टीएचजी के साथ फाइट कर रहे हैं, एंड ये एनिग्मा गेमिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि एलिमिनेट हो सकते हैं, एरिन को नॉक एंड फिनिश कर दिया गया है, ओजस्वी को अपना पहला किल सिक्योर करना पड़ रहा है, अब इस पोजीशनिंग देखें यहां पे टीम एनिग्मा गेमिंग की, उनके पास एक अच्छी पोजीशनिंग रहने वाली है, जहां पे चिलो के पास एक अच्छा हाई ग्राउंड एडवांटेज रहेगा, एज वेल एज वेपनरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लॉन्ग डिस्टेंस पे एक शानदार प्रदर्शन दिखा सकती है, टीएचजी के बिहार ऑफ गार्ड से थोड़े बहुत नेट टॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये नेट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं क्योंकि दो प्लेयर्स अगल बगल पे खड़े हैं, एक नेट बाजी पलट सकती है, हमेशा कहता हूं और करती भी है, आप देखिए दो प्लेयर्स यहाँ पे टेकडाउन होते हैं, बट एक नेट से नहीं बल्कि एक शॉट यहाँ पे पड़ा था पीछे की तरफ से, मुझे देखना है किस प्लेयर ने यहाँ पे लगाया था, बट बात की जाए लेजेंड की, यहाँ पे आखिरी बचे प्लेयर चिल्लो को टेकडाउन करने में कामयाब रहते हुए टीम टीएसजी चार किल सिक्योर कर लेती है बिना किसी प्लेयर के